सो भाई लोगों, आपका स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि फेक नंबर से आप अपने ईमो का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बिकॉज आप लोग जानते होंगे कि जो हमें सेकेंड लाइन और टेक्स्ट नाउ में कनाडा का नंबर मिलता था, तो उस नंबर से हम आसानी से अपना ये जो ईमो का अकाउंट है क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी की बात किया जाए तो हमें टेक्स्ट नाउ और सेकेंड लाइन में ये हमें कनाडा का नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ यूएस का नंबर मिलता है। तो यहाँ पर वो नंबर बैन कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप फेक नंबर से अपना ईमो अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अपना जो लेटेस्ट वर्जन है ईमो का अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर चेक कर लीजिएगा कि अपडेट अगर ये मांग रहा है तो अपडेट कर लीजिएगा। तो ईमो का आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम अपना ईमो का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पर या तो यूके के नंबर से क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैनेडा का। बाकी यूएस का जो नंबर हमें मिलता है सेकेंड लाइन और टेक्स्ट नाउ में, वो बैंड है, हो चुका है ऑलरेडी, तो हम उस नंबर से क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप पोलैंड के नंबर से इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे भाई पोलैंड का नाम सुनकर ट्विनर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और नंबर लेके वेरीफाई करेंगे, तो भाई रुक जाओ, पोलैंड के जितने भी नंबर हैं इसमें भी सब के सब यहाँ पर अलाउ नहीं है, बहुत सारे नंबर बैंड है, ठीक है। तो आपको जो नंबर लेना है, याद रखिए, यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है 459, यही आपको नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ग्रीन सिग्नल शो नहीं करता है 2NR एप्लीकेशन में, तो इस पर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको उसमें पता चलेगा कि अगर आपको ट्विटर एप्लीकेशन में OTP नहीं मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे मिलेगा। अगर आपको कैप्चा प्रॉब्लम भी कर रहा है वहाँ पर आपका ट्विटर एप्लीकेशन, तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा, यहाँ पर मुझे कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ मुझे एक नंबर लेना होगा, स्टार्टिंग का जो कोड होना चाहिए 459 या 732 या 729, यही कोड होना चाहिए स्टार्टिंग का। बाद का जो भी ये 6 नंबर है कोई भी होना चाहिए, मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का 459 हमें कोड रखना है। इसी कोड से हमें अपना ये जो ईमो का अकाउंट है हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस नंबर को लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कैप्चा मांगा जा रहा है, सबसे पहले इसको हम फिल कर लेंगे और सेव दिस नंबर पर क्लिक करके इस नंबर को हम ले लेंगे। बेटर ये होगा कि नंबर लेने से पहले आप ईमो में चेक कर लें एक बार, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वहाँ पर बैंड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो नंबर मैं लिया हूँ पोलैंड के एप्लीकेशन से, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पोलैंड के नंबर से इस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमें पोलैंड रखना होगा इस कंट्री में, और उस नंबर को हमें सिंपल यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डाल देना होगा, और राइट पर यहाँ पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे, ठीक है। जिससे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जो कंट्री रखना है पोलैंड ही रखना है। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के 5 सेकेंड के अंदर ही हमारा जो 2NR एप्लीकेशन है, इस पर OTP हमें मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए OTP भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। OTP को अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ 2NR एप्लीकेशन को, तो यहाँ आप देख सकते हैं ईमो की तरफ से एक मुझे OTP मिला है, 9396, ये OTP है। इसको सिंपल आपको यहाँ पर फिलअप करना है और आपका ये जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो वेट कीजिएगा कॉल का, वहाँ पर कॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप कॉल कर लीजिएगा, 2NR एप्लीकेशन में आपको कॉल मिल जाएगा और आसानी से वहाँ से भी आप OTP ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई मैं नंबर से जब भी अपना इस ईमो को क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर हमें कलर ट्यून का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ईमो में ये भी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन बना हुआ है, आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर मैंने फेक नंबर से अपना इस अकाउंट को क्रिएट किया। कॉल्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कॉलर ट्यून का ऑप्शन हमें शो कर रहा है, यानी कि किसी तरह से अगर इंडिया में आप इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं तो आपको कॉलर ट्यून शो करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि कॉलर ट्यून उनको शो नहीं करता है, तो इस तरीके को फॉलो करके कॉलर ट्यून के साथ साथ अपना फेक ईमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। Close till I get up. Time is barely on our side.